हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैट्रिसेस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये आज मैट्रिसेस का 8th लेक्चर है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 7th लेक्चर लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इट मींस अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, डिटर्मिनेंट, जैसे कोई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो वो ए मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। ए का मॉड माने ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो वो ए मैट्रिक्स को आप एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, और अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो उसको आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी इसी से निकलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो है इसका मतलब जीरो छोड़ के कुछ भी आ जाए, चाहे तो प्लस आ जाए चाहे तो माइनस आ जाए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इट मींस यहां पे मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन बनती है। अगर ये कंडीशन बनी तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन, और अगर ये कंडीशन बनती है तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन। तो चलो देखते हैं, यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखते हैं, वो प्रॉब्लम में आपको पता चलेगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने मैट्रिसेस के पहले वीडियो में बताए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैट्रिसेस में जितने भी टाइप्स होते हैं सभी का डेफिनेशन क्या है, ये सभी के बारे में हमने बताए थे, वो वीडियो आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेशन और उनके टाइप्स सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर सेम है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब जिसका ऑर्डर सेम है उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। ये मैट्रिक्स में हम यहां पे मैट्रिक्स लेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 4 8। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, हम यहां पे ऑर्डर लिखेंगे 2x2। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। देखिए ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। तो यहां पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल हम लेंगे जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, 6 8 -2 3 0 1 4 5 3। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखे हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो यहां 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। देखिए यहां पे 3 रोज है और यहां पे 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो आपको वो मैट्रिक्स को कहना है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहे तो आपको उसको कहना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स लेंगे। देखिए ये हमने एक 2x2 मैट्रिक्स लिया है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहां पे सेम है। यहां 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो चलो देखते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट लेके। तो हम यहां लिखेंगे मॉड ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये पूरे मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 4 6 और 9। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने का यहां पे टेक्निक बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, यहां पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो कि जीरो आता है कि नहीं। तो यहां पे 1 into 9, हम यहां पे 1 into 9 करेंगे, तो 1 into 9 हो गया 9,
तो हम लिखेंगे यहां 9 और यहां पे 6 इंटू 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दैट इज 24 और दोनों के बीच में माइनस रहेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है कि पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया 9 माइनस 24 और ये आंसर आ रहा है 9 माइनस 24 करने के बाद माइनस 15 तो फाइनली मॉड ऑफ ए का आंसर माइनस 15 आ रहा है इट मीन्स ये जीरो नहीं आ रहा है तो ये मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है अगर डिटरमिनेंट जीरो आता है तो ही वो सिंगुलर मैट्रिक्स है अभी देखिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है माइनस 15 आ गया तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम यहां लिखेंगे कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ये बहुत ही आसान है तो देखिए हमने ये मैट्रिक्स को चेक कर लिए कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है अब एक और एग्जांपल लेंगे ये तो 2x2 मैट्रिक्स था अब हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे और ये 3x3 मैट्रिक्स तो हम चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3 देखिए इसका 3x3 का ऑर्डर है तो चलो देखेंगे इसको हम डिटरमिनेंट में हम पहले रखेंगे हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट जीरो आता है कि नहीं अगर जीरो आ गया तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम यहां लिखेंगे दैट इज मॉड ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी ही मॉड ऑफ ए तो हम ये पूरा मैट्रिक्स को हम यहां डिटरमिनेंट में लिख देते हैं देखिए 702 पहले रो में है 702 सेकंड रो में है 126 और थर्ड रो में है 453 तो ये देखिए ये पूरा मैट्रिक्स हमने यहां लिखे लेकिन ये हमने डिटरमिनेंट में लिखे हैं ऐसी दो लाइन दैट इज ऐसे मॉड में लिखे हैं और अब हमें इसका डिटरमिनेंट लेना है तो डिटरमिनेंट लेना काफी आसान है देखो हम यहां पे डिटरमिनेंट लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें 7 को लेना है देन 0 को लेना है देन 2 को लेना है तो सबसे पहले हम 7 को लेंगे तो देखिए ये हमने 7 को ले लिए ये हमने 7 का ब्रैकेट बना लिए देन हम 0 को लेंगे तो ये हमने 0 को ले लिए और लास्ट में हम 2 को लेंगे तो हमने यहां पे 2 को यहां ब्रैकेट में ले लेंगे देखिए ये हमने यहां पे 3 यहां पे ब्रैकेट बना दिए ये हमने 7 के लिए ब्रैकेट बनाया देन हमने 0 के लिए ब्रैकेट बनाया और देन हमने 2 के लिए ब्रैकेट बनाया प्रॉपरली चेक करेंगे ये आई पोजीशन में है ये जे पोजीशन में है और ये के पोजीशन में है और जे पोजीशन हमेशा माइनस में होता है ये पोजीशन हमेशा माइनस में इसलिए हमने सामने माइनस लगा दिए ये आई पोजीशन जे पोजीशन के पोजीशन जे पोजीशन हमेशा माइनस होता है इसलिए हमने यहां माइनस लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट टर्म सेकंड ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव उसके सामने पॉजिटिव लेकिन ये जो मिडिल टर्म है जो कि जे टर्म है इसके सामने हमेशा निगेटिव रहेगा और अब यहां पे देखो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बहुत ही आसान है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 7 यहां 7 के ब्रैकेट में देखिए क्या लिखेंगे तो ये 7 का रो और कॉलम को छोड़ दो ये देखिए ये 7 का रो है और ये 7 का यहां पे कॉलम है देखिए ये 7 का रो और 7 का कॉलम यहां पे छोड़ दो 7 का रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये जो चार एलिमेंट बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने ये चार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे बिल्कुल वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहां पे करो ये चारों में करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इट मींस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो चलो देखते हैं यहां पे क्या आता है तो 3 × 6 तो ये हो सॉरी 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6 देन 5 × 6 तो ये हो जाएगा 30 और दोनों के बीच में माइनस रहेगा क्योंकि हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहां पे लिख दिए देन है नेक्स्ट 0 अब जाहिर सी बात है 0 ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा ऑब्वियसली 0 ही आएगा लेकिन चलो फिर भी हम आपको यहां पे लिख के बता देते हैं कि 0 के टाइम अगर आएगा तो क्या कौन से नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो देखिए 0 के लिए आप ये 0 का रो छोड़ो और ये 0 का कॉलम छोड़ो देखिए ये 0 का रो आपको छोड़ना है और ये 0 का कॉलम छोड़ना है रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये जो चार एलिमेंट बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कौन से चार एलिमेंट बचे 1, 6, 4, 3 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और देखो यहां पे क्या आता है तो ये 1 और 3 का पहले मल्टीप्लिकेशन करो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन −6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 3 जा यहां पे हम लिखेंगे 1 3 जा 3 और 6 4 जा तो ये हो गया 24 लेकिन बीच में क्या रहेगा माइनस वैसे भी ये अगर आपने नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा अभी सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि डिटरमिनेंट कैसे लेना वैसे भी 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पूरा 0 ही होना है लेकिन सिर्फ डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है वो हम यहां आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे अब ये 2 के ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए तो 2 के लिए भी बिल्कुल सेम बस 2 का रो और 2 का कॉलम आपको छोड़ना है तो देखिए 2 का रो कौन सा 2 का ये जो रो है वो रो और ये कॉलम
टू का रो और कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, और ये जो अब चार एलिमेंट बचे हैं ये चार एलिमेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर से देखेंगे कि यहां पे क्या आता है। तो हम लिखेंगे यहां पे 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम लिखेंगे 5 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 8। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 8, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये क्या आता है। तो 6 माइनस 30 तो ये हो जाएगा माइनस 24, तो 7 इंटू माइनस 24, ये टर्म पूरा जीरो हो गया तो इसको छोड़ दो, और यहां पे 2 यहां पे प्लस 2 इंटू इसके ब्रैकेट में देखिए 5 माइनस 8 रहेगा यहां पे माइनस 3, तो ये देखिए ये हमने ऐसा कर लिए। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो, आपको अगर टेबल आता है तो डायरेक्टली ये टेबल से सॉल्व करो, तो 24 इंटू 7 करेंगे तो ये होगा 168, तो हम लिखेंगे यहां पे ये हो गया माइनस 168 और ये माइनस ऑफ 6 तो ये हो गया माइनस ऑफ 174, तो ये माइनस 174 इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फाइनली हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिए, इट मीन्स ए का मॉड हमने फाइंड आउट कर लिए, और ये नॉन जीरो नंबर आया, ये नॉन जीरो नंबर है, इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज हमने समझाने का प्रयास किया है। इसमें हमने बताया आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो फाइनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहचानना बहुत आसान है, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है वो मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले हमने जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक स्टडी किए थे वो सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।